गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन आई गुंजन गर्ग विद यू विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जस्ट फॉर फन। चिल्ड्रन, इफ यू नो व्हाट इज द स्टोरी ऑफ फर्स्ट पार्ट देन यू कैन अंडरस्टैंड, अदरवाइज यू कैन सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो बिकॉज इट इज द सेकंड पार्ट। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट में टीचर ने उनसे क्वेश्चन किया था कि बच्चों क्या आपने फेदर पिलो की स्टोरी सुनी है। अब बच्चे देखो क्या बोलते हैं। ऑल स्टूडेंट्स, नो मैम, ऑल से इन यूनिसन। सारे बच्चे एक ही आवाज में आंसर देते हैं कि नो मैम, हमने वो स्टोरी नहीं सुनी। मिसेस गुआ, वेल देयर वॉज वंस अ वाइज मैन हुज एडवाइस वॉज शॉर्ट बाय ऑल। वन विलेजर दाओ गोट अपसेट बिकॉज द वाइज मैन गेव हिम सम एडवाइस दैट ही डिडंट लाइक। तो यहाँ पे मिसेस गुआ बताती हैं कि एक ना विलेज था, उसमें एक वाइज मैन था, तो उसकी एडवाइस सब लोग लिया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक विलेजर था, वो बड़ा ही अपसेट था क्योंकि जो वाइज मैन ने उसे जो एडवाइस दी थी उसे वो अच्छी नहीं लगी थी। सो ही स्प्रेड अ विक्ड रूमर अबाउट द वाइज मैन। तो इसलिए उसने, रूमर होता है बेटे किसी के बारे में झूठी बात को इधर उधर फैला देना, तो उस वाइज मैन के बारे में उस विलेजर ने वो बात सब जगह फैला दी। इवेंचुअली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट ही स्टार्टेड द लाई। और बाद में ये बात पता भी चल गई थी कि वो जो विलेजर था वो झूठ बोल रहा था। द वाइज मैन फॉरगेव हिम, लेकिन फिर भी जो वाइज मैन होता है वो उसे माफ कर देता है। बट टू प्रूव अ पॉइंट ही सेट ए टास्क फॉर द मैन, लेकिन वो अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए उस इंसान से, उस विलेजर से काम करने के लिए बोलता है। एनी गैसेस व्हाट द वाइज मैन आस्क हिम टू डू। तो तुम्हारे बच्चों कोई गैसेस है, यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उस वाइज मैन ने उसे ऐसा क्या वर्क दिया होगा करने के लिए। वेट्स फॉर रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स। अब टीचर क्या करती है, स्टूडेंट के रिस्पॉन्स के लिए वेट करती है। सिमरन, मे बी ही टोल्ड द मैन टू वर्क इन हिज फील्ड फॉर अ वीक और आस्क हिम टू एक्ट। अब सिमरन बोलती है कि मैम शायद उसने ऐसा किया होगा, उसने अपने फील्ड पे उससे वर्क करने के लिए बोला होगा वन वीक के लिए। अब मिसेस गोवा, वेल नॉट एग्जैक्टली, कि नहीं ऐसा नहीं था। ही आस्क्ड द मैन टू गेट ए फेदर पिलो। उसने एक इंसान, उस विलेजर से बोला कि तुम जाओ और एक फेदर पिलो लेके आओ। ही टुक द पिलो एंड केयरफुली ओपन द स्टिचिंग ऑन वन साइड। तो वो उसके हाथ में से, जो वाइज मैन होता है, वो पिलो लेता है और वो क्या करता है, वो उसकी एक साइड की स्टिच जो सिलाई होती है उसको खोल देता है। देन वॉट डू यू थिंक ही हैड विद इट। वेट फॉर रिस्पॉन्सेज। फिर टीचर फिर से पूछती है कि अब उसने उसकी सिलाई भी, स्टिच को भी खोल दिया है, अब उसने आगे क्या किया होगा। अब दिव्या गैस करती है, ही गेव द मैन ए फेदर एंड आस्क हिम टू राइट समथिंग विद इट। तो दिव्या बोलती है कि उस मैन ने क्या किया होगा, वाइज मैन ने उस विलेजर से बोला होगा कि तुम इस फेदर पे कुछ लिखो। मिसेस गोवा, एनी अदर गैसेस, कि बच्चों और कोई गैसेस लगाओगे आप। शशांक, मैम आई थिंक ही आस्क द मैन टू डिस्ट्रीब्यूट द फीदर टू एवरीवन इन द विलेज। शायद उसने ये कहा होगा कि इन फीदर को लो और क्या करो, सारे विलेज में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मिसेस गोवा, ही गेव द ओपन पिलो टू द मैन एंड टोल्ड हिम टू वॉक एज फार एज ही कुड। उसने बोला कि फेदर का जो पिलो है इसको ओपन कीजिए और इसको तुम चलते जाओ जितनी दूर तक तुम जा सकते हो। स्कैटरिंग द फेदर इन विंड एज ही वेंट अलोंग। और जैसे जैसे तुम जाओगे, इन फेदर जो है इसके अंदर, ये जो फेदर भरी हुई है इस पिलो के अंदर, इसको फैलाते जाओ दूर तक। आफ्टर डूइंग दैट ही वॉन्ट्स टू कम बैक टू द वाइज मैन। और ऐसा करने के बाद वो वाइज मैन के पास वापस आ जाता है, वो विलेजर जिसने वो वाइज मैन के लिए रूमर फैलाया था। When he returned, the wise man told him, "Now go and collect all those feather and put them back in the pillow." अब वो वाइज मैन उससे क्या बोलता है कि जो तुमने ये फेदर को सब जगह फैला दिया है, जाओ उन्हें इकट्ठे करके लेके आओ और फिर क्या होगा, इनको वापस इस पिलो में भर दो। सिमरन, ओ हाउ वुड ही डू दैट। अरे उसने ऐसा कैसे किया होगा। मिसेस गुहा, यस दैट्स हाउ द मैन मस्ट हैव रिएक्ट टू। बिल्कुल जैसे तुमने रिएक्ट किया है, उस मैन ने भी ऐसे ही रिएक्ट किया था। बट व्हाट डू यू थिंक ही लर्न फ्रॉम दिस टास्क। लेकिन तुम क्या समझते हो, उसने इस टास्क से क्या सीखा होगा। अवंतिका, द वाइज मैन वॉन्टेड टू शो द वर्ड्स लाइक फीदर स्प्रेड फार एंड वाइड कैन नॉट ऑलवेज बी टेकन बैक। बच्चों यहाँ पे तुम्हारे लिए भी एक लेसन है। वाइज मैन उसे ये बताना चाहता था कि वो वर्ड जो तुम किसी के बारे में दूर दूर तक फैला देते हो, उन्हें वापस करना इतना ही मुश्किल है, इतना ही इम्पोसिबल है जितना कि उन फेदर्स को वापस लेके आना। मिस गोवा, यस यू हैव गॉट द पॉइंट। अब अवंतिका ने ये बात बोली कि मैम किसी भी वर्ड्स को वापस लाना इतना ही मुश्किल है जैसे कि उन फेदर को लेके आना। तो मिसेस गोवा बोलती है कि हाँ, तुमने इस बात में यही पॉइंट मैं तुम्हें बताना चाहती थी। जस्ट देन देयर इज एन अनाउंसमेंट टू द इंटरकॉम। तभी उनका जो इंटरकॉम होता है उस पर एक अनाउंसमेंट होती है। वॉइस ऑन,
Miss Goa is requested to meet the parent of Sonia Francis in the meeting room on the ground floor. अब ये बेटे वॉइस ऑन द इंटरकॉम, इंटरकॉम होता है उस पर वॉइस आती है कि मिसेस गोवा से रिक्वेस्ट की जाती है कि जो सोनिया है उसके पेरेंट उससे उनसे मिलना चाहते हैं तो वो ग्राउंड फ्लोर पर आ जाएं। मिस गोवा आई विल बी बैक इन ए फ्यू मिनट्स शशांक प्लीज हैंडल द क्लास। तो टीचर बोलती है कि अभी मैं फ्यू मिनट्स में वापस आती हूँ और शशांक तब तक तुम क्लास को हैंडल करो। ओके स्टूडेंट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मिसेस गोवा लीव्स, मीनवाइल सिमरन दिव्या एंड अवंतिका स्टार्ट विस्परिंग। अब मिसेस गोवा चली जाती है ग्राउंड फ्लोर पे बिकॉज शी वॉन्ट्स टू मीट द पेरेंट ऑफ सिमरन। ओके स्टूडेंट एंड नाउ सिमरन दिव्या एंड अवंतिका स्टार्ट विस्परिंग। सिमरन हे डू यू थिंक सोनिया इज इन बिग ट्रबल नाउ। कि तुम्हें लगता है कि सोनिया बड़ी मुसीबत में है। दिव्या आई डोंट नो एनी वे आई एम बेगिंग टू थिंक दैट वट वी डिड वॉज नॉट राइट एट ऑल। दिव्या बोलती है कि मुझे नहीं पता लेकिन जो हमने किया है उसके साथ कि उसके बारे में र्यूमर फैलाया है वो ठीक नहीं है। अवंतिका आई नो आई नेवर थॉट दैट इट वुड गो दिस फार। अवंतिका बोल रही है कि अब मुझे नहीं पता था कि बात इतनी दूर तक चली जाएगी। एंड आई थिंक मिस गोवा टोल्ड अस द स्टोरी ऑन पर्पज। और उसे लग रहा है कि मिसेस गोवा ने भी ये स्टोरी इसी पर्पज से उन्हें सुनाई है। शी वॉन्ट्स टू टेल समथिंग टू अस स्पेशली। तो वो हमें स्पेशली कुछ समझाना चाहती थी। दिव्या डू यू थिंक शी नोज। तो दिव्या बोलती है क्या तुम्हें लग रहा है कि मिसेस गोवा को इसके बारे में पता है। अवंतिका व्हाई एल्स वुड शी टेल अस दिस स्टोरी। कि अगर उन्हें नहीं पता होता तो वो ये स्टोरी हमें क्यों सुनाती। सिमरन आई थिंक वी नीड टू स्पीक टू मिस गोवा। कि हमें मुझे लगता है सिमरन बोल रही है कि हमें मिस गोवा से बात करना चाहिए। अवंतिका ओ हियर शी इज। मिस गोवा कम्स बैक इन टू द क्लासरूम। कि वो बोलती है कि आ गई है मिसेस गोवा तो क्लासरूम में। मैम कैन वी टॉक टू यू इन प्राइवेट फॉर अ मिनट प्लीज इट्स इम्पोर्टेंट। अब वो गर्ल्स जो तीनों हैं वो मिसेस गोवा से बोलते हैं कि मैम क्या हम आपसे प्राइवेटली एक मिनट के लिए बात कर सकते हैं। मिसेस गोवा यस ऑफ कोर्स गर्ल्स वेयर वुड यू गो वुड यू लाइक टू टॉक हियर और इन द काउंसलिंग रूम। तो अब टीचर उनसे क्वेश्चन कर रही है कि तुम मुझसे बात यहीं करना पसंद करोगी या फिर काउंसलिंग रूम में। सिमरन द काउंसलिंग रूम। मिसेस गोवा फाइन। मिसेस गोवा एंड थ्री गर्ल्स अवंतिका सिमरन एंड दिव्या गो टू द काउंसलिंग रूम। चिल्ड्रन नाउ इट इज सीन थ्री इनसाइड द काउंसलिंग रूम। अब काउंसलिंग रूम में उन गर्ल्स और मिसेस गोवा के बारे में क्या बीच में क्या बातें होती हैं। मिस गोवा सो टेल मी। सिमरन मैम योर स्टोरी मेड अस थिंक अबाउट ए र्यूमर वी स्प्रेड अबाउट सोनिया। अब सिमरन टीचर से बोल रही है कि मैम आपने जो हमारी हमें स्टोरी सुनाई है उसने हमें क्या किया है, उसने हमें सोचने पे मजबूर कर दिया है कि जो हमने र्यूमर सोनिया के बारे में फैलाया है वो बहुत ही गलत है। अवंतिका वी आर फीलिंग वेरी बैड अबाउट इट। कि हमें इसके बारे में बहुत ही बैड फीलिंग आ रही है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिसेस गोवा दैट्स द राइट थिंग टू डू गर्ल्स एंड आई एम वेरी प्लीज टू नो दैट यू हैव लर्न ए वैल्यूएबल लेसन। अब टीचर बोल रही है कि ये बिल्कुल ठीक बात है जो तुम फील कर रहे हो। और टीचर बोलते हैं कि मैं बहुत हैप्पी हूँ कि तुमने इस मेरी स्टोरी से एक वैल्यूएबल लेसन सीखा है। डोंट वरी द मैटर कैन बी रिजोल्व। अब टीचर बोल रही है कि अब तुम टेंशन मत लो, चिंता मत करो, क्या होता मैटर को हम क्या करेंगे, इसे रिजोल्व करेंगे यानी सुलझाने की कोशिश करेंगे। यू ओनली नीड टू सिंसियरली अपोलोजाइज टू सोनिया। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंसियरली अपोलोजाइज यानी सोनिया से क्या करना है, अपनी गलती बतानी है, माफी मांगनी है। कम ऑन लेट्स गो टू द क्लासरूम एंड मेक अमेंड्स। और वो बोलती है कि चलिए क्लासरूम में चलते हैं। और बच्चों मेक अमेंड्स का मतलब होता है टू डू समथिंग टू करेक्ट अ मिस्टेक दैट वन हैज मेड। यानी अगर तुमसे कोई गलती हो जाती है तो उसको ठीक करने की कोशिश करो। दे ऑल गो बैक टू द क्लास। अब ये तीनों क्या होते हैं, क्लास में चले जाते हैं सब। ओके स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन। कि हमें बिना सोचे समझे किसी के बारे में कोई भी र्यूमर नहीं फैलाना चाहिए। ओके स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय हैव अ नाइस डे।